आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही मामला शामली के कांधला से आया है, जहां महिला से छेड़छाड़ की शिकायत की तो आरोपियों ने उसके घर में घुसकर मारपीट कर दी। तो वही कांधला में ही एक युवती के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट देखिए। शामली जनपद में एक बार फिर महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दरअसल कांधला कस्बे में पहले तो दबंगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। जब महिलाओं ने इसकी शिकायत की तो दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर महिला समेत आधा दर्जन लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। घायलों को कांधला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीन की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। बुजुर्ग रहने वाले हैं। मेरी लड़की पूरी से गई थी गोबर लेकर, नसीम और वो एजाज, उसने लड़के ने हाथ पकड़ कर ले गया, सिर में कट्टा मारा। कब की घटना और कहां की मामला है? पूरा 3 बजे की, आज 3 बजे की, आज 3 बजे। और अब आप आए हो अब रात 8 बजे, तो इतनी देर से आप कहाँ थे? क्या जी, सवारी का साधन नहीं था, गरीब आदमी है। अच्छा अच्छा। वहीं पुलिस की माने तो नई मौनादीन पड़ोसी है, दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मात्र 24 घंटे में कांधला थाना क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की ये तीसरी घटना है। और आपस में ही परिवार में मारपीट किए हैं और दोनों द्वारा दी जा रही है प्रार्थना पर कार्रवाई की। अच्छा सर, लड़की के अलावा कोई और भी घायल है? जैसे लड़की के सर में एक कट्टे की बट मारी गई। हाँ, और भी लोग हैं, हल्की चोट है लेकिन दोनों को, दोनों तरफ। वहीं दूसरी घटना भी कांधला थाना क्षेत्र की है, जहां दिन दहाड़े दबंगों ने एक युवती का अपहरण कर खेत में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप करने की कोशिश की। विरोध करने पर पीड़िता को तमंचे से डराकर मारपीट की गई। युवती के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़िता ने कांधला पुलिस से शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी, मैं कुड़ी पे गोबर के रंग झाड़ती थी। अच्छा। और जी वहाँ दो जने बैठे थे जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के जी इसमें घेरी जी, और जी फिर मैंने छुट के भाग गई जी, उन्होंने मेरे सिर में पता नहीं क्या मारा। अच्छा अच्छा, मतलब आपके साथ कोई गलत काम किया उन्होंने? नहीं जी। कितने लोग थे? दो जने जी। नाम बताओ। जानते हो ना, क्या नाम है उनका? नसीम और एजाद। बताया जा रहा है कि युवती कूड़ा डालने के लिए जा रही थी, तभी दो दबंगों ने युवती को जबरन पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन युवती के चिल्लाने के कारण आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। वहीं लोगों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता को कांधला CSC में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद मुजफ्फरनगर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से रिपोर्ट मिली है, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शामली में इन दो घटनाओं ने महिला सुरक्षा पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही सरकार पुलिस की मुस्तैदी की बात करती हो, लेकिन ये घटनाएं कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़ा करती हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस की ओर से किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। शामली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट।